कुसुम की दुनिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज कुसुम जी एक बहुत ही ख़ास डिश बनाने जा रही हैं। ये तो आप पहचान ही होंगे, फ्राज बीन। और फ्राज बीन्स को आज हम कीमे के साथ बनाने वाले हैं और बहुत टेस्टी डिश होती है। पूरी रेसिपी आप देखिएगा, बहुत स्वादिष्ट होती है। और कुसुम जी जिस तरीके से, जिस अंदाज़ में उस डिश को बनाती हैं, वो बहुत शानदार है। आपको पूरी रेसिपी दिखाएंगे, इसलिए आपसे कहना भी चाहेंगे कि कुसुम की दुनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें इसके लिए चाहिए ये करीब 250 ग्राम बीन्स हैं, दो टमाटर और तीन मीडियम साइज़ के प्याज। इन प्याज को हम किस तरीके से काटेंगे वो अभी आपको दिखाई देंगे। तो कुछ इस अंदाज़ में आपको ये प्याज काटनी है, जैसे कि आप आमतौर पर काटते ही होंगे, आप बारीक बारीक। तो कुसुम जी, व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि आपका जो चेहरा है आज इतना उतरा उतरा क्यों लग रहा है? तबीयत ख़राब है। वो जो पैर का दर्द आपका जो था वो, अच्छा, तो कुसुम जी के पैर में दर्द है, सूजन है थोड़ी सी, क्योंकि कुसुम जी रनिंग के लिए गई थी और रनिंग के दौरान थोड़ा सा मांसपेशी में खिंचाव हो गया इनकी, तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है इनका और अभी उसमें बहुत ज़्यादा आराम नहीं लगा है। तो इसीलिए कुसुम जी का चेहरा आपको थोड़ा उदास उदास और मुरझाया मुरझाया लग रहा होगा। हरी मिर्च का इस्तेमाल भी इस रेसिपी में होता है और ये 5 हरी मिर्च ली हैं हमने, ये बड़ी वाली जो होती हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। हरी मिर्च इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और एक बार घर पे इन्होंने खिलाई थी तो मैंने सोचा कि चलो आज अपने व्यूवर्स को भी दिखा देते हैं कि वो कभी चाहें तो वो इसे ट्राई कर सकते हैं अपने घर में। तो आप लोग पूरी रेसिपी को गौर से देखिएगा, बहुत सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इस रेसिपी में और आराम से आप इसे अपने घर पर बना सकते हैं। लहसुन का भी इस रेसिपी में अच्छा खासा इस्तेमाल होता है, आप 5 से 6 कलियाँ लहसुन की ले सकते हैं। लहसुन एक अलग ही खुशबू और स्वाद किसी भी सब्जी को देता है, तो लहसुन खाया करें। हाँ, अगर आप नहीं खाते हैं तो फिर कोई बात नहीं, लहसुन के भी, बिना लहसुन के भी सब्जी अच्छा होती है, मैंने खूब खाई है। एक दफ़ा मुझे इत्तेफाक से मौका मिला था मथुरा जाने का, मैं एक न्यूज़ चैनल में काम करता था तो वहाँ पर उनके थ्रू मुझे मथुरा जन्माष्टमी के दौरान मथुरा जाने का मौका मिला था। तब मैंने वहाँ पर बिना लहसुन की सब्ज़ी खाई थी, बिना प्याज और लहसुन की, और पहले मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसा इसका टेस्ट होता होगा, मैंने कभी खाई नहीं थी, लेकिन वो टेस्ट बहुत अल्टीमेट था, बहुत शानदार था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि लहसुन के बिना सब्ज़ी का स्वाद अच्छा नहीं होगा, ऐसा ये सब कहने की बातें हैं, आप बिना लहसुन के भी बहुत अच्छी सब्ज़ी बना सकते हैं। और बीन्स मेरी फेवरेट है और हम में से कईयों की फेवरेट होती हैं। आलू बीन्स की सब्ज़ी तो कुसुम जी बहुत टेस्टी बनाती हैं। हमारे चैनल पर कुसुम की दुनिया पर आपको पूरी रेसिपी इसकी मिल जाएगी, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। तो प्याज और बीन्स कट चुकी हैं और कुसुम जी अब हमें सीधे अपने किचन की तरफ लेके चलेंगी, तो चलिए कुसुम जी के किचन की तरफ चलते हैं। बीन्स को वॉश कर लें अच्छे तरीके से। ये 250 ग्राम के लगभग कीमा है, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से धोएं हमेशा। और ये जो कीमा है ये बफलो मीट का कीमा है, अगर आप बफलो मीट खाते हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो मटन कीमा से भी इसको बना सकते हैं और सही बताऊँ तो मटन कीमा वाली ज़्यादा टेस्टी लगेगी। सीधे कुकर में कीमा चढ़ाएं और इसको कुकर में रखें। जो भी आपने प्याज और टमाटर मिर्च लहसुन काटा था वो इसको आपको ऐसे ही कुकर में कीमे के साथ मिला देना है और फिर कुछ और मसाले मिलाने होंगे। आधा चम्मच हल्दी,
चुटकी भर लाल मिर्च, एक चम्मच के करीब, आधा चम्मच के करीब जीरा, स्वादानुसार नमक, बड़ी इलायची और छोटी इलायची मिला दीजिए और ये तेल डाल दीजिए और एक बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट पिसा हुआ धनिया। कुछ खड़े मसाले हम इसमें मिलाएंगे जैसे कि तेज पत्ता, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी एक टुकड़ा छोटा, अच्छे से मिक्स कर लें। पानी मिला लें। तो बीन्स कीमा रेसिपी बनाने के लिए आपको जो प्याज, टमाटर, मिर्च और लहसुन काटा था उसको कीमे में मिला दें, कुकर में करके कीमे के साथ मिला दें और साथ ही इसमें मसाले मिला दें। ये कुकर हमने रख दिया है, फ्लेम फुल है हमारा। और कितनी सीटी लगाएंगे कुसुम जी हम इसमें? चार सीटियां लगाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि जो कीमा है हमारा वो कितना गला है। तो चलिए दोस्तों, चार सीटियों के बाद मिलते हैं। तो चार सीटियों के बाद कीमा कुछ ऐसा हुआ है। चलिए इसमें बीन्स मिला देते हैं और बीन्स मिलने के बाद इसे हम करीब दो सीटियां और लगाएंगे, दो या एक, दो सीटियां लगाएंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि हमारी जो बीन्स कीमा है वो कैसा बना है। क्या लगता है कुसुम जी, कैसा बनेगा? अच्छा, टेस्ट लगेगा, स्वाद लगेगा, क्या बात है। तो वेजी और मीट का कॉम्बिनेशन है ये, कुछ तो डिफरेंट होगा ही। चलिए फिर से गैस पर रख देते हैं और दो सीटी बाद आपको दिखाएंगे कैसा बना। तो दो सीटियों के बाद हमारा कीमा बीन्स ऐसा बना है भाई। वाह 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 वाह, देखिए भैया देखिए क्या जानदार स्वाद है। अब ज़रा जल्दी से इसको टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं, कुसुम जी आपको बताएंगी कि उनका बनाया है कीमा बीन्स आखिर कैसा बना है। तो साथियों, खाने के लिए सेज जो टेबल है लग गई है और कीमा बीन्स तैयार हैं। आप देखिए क्या ज़बरदस्त लुक आ रहा है। साथ में हमने अपना छोटा सा सलाद रखा है, खीरा और प्याज, थोड़ी सी टमाटर की चटनी रखी है जो कि हमारी सुबह की बच रही है, इसको हम अब खाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप बफलो मीट नहीं खाते हैं तो मटन कीमा के साथ आप इसको ट्राई कीजिए, लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वीडियो भैया कैसा लगा। मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ फिर से दूसरे वीडियो में। नमस्कार।